थोड़ा और बाइक का सफ़र करके हम लोग आ गए हैं करीब 8 किलोमीटर दूर ब्लैक टेंपल या फिर म्यूज़ियम पे। 9 से 5 बजे तक का टाइमिंग है इसका। यहाँ पे अंदर जाने के लिए एंट्रेंस टिकट लगता है 80 बाट का। ये है भांडाम म्यूज़ियम। ये ले लिए हमने 80-80 बाट के 2 टिकट और अभी ऐसे रैंडमली चलते हुए जा रहे हैं। ये भी वही टेंपल के कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है। इस तरफ भैंस खड़ी हुई है, देखो ये भैंस का कलर कितना अलग है। देखो ये सामने आपको दिख रही होगी भैंस, तो कितना अलग कलर है, ब्राउन कलर। और इस तरह की यहाँ पर बैठने की जगह है। ये देखो यहाँ पर एक और दूसरी भैंस है, ये वाली तो काली भैंस है, लेकिन सभी कुछ यहाँ पर जितना कुछ भी है हर चीज़ को ब्लैक कलर किया हुआ है। यहाँ पर पब्लिक घूम रही है, सब लोग रैंडमली कहीं भी घूम रहे हैं, क्योंकि मेन कॉम्प्लेक्स तो आगे की तरफ ही है, पीछे की तरफ से भी है। जो भी आर्ट वर्क है वो देखने आए हैं। पे ऐसे सब अलग अलग आर्टवर्क बना के रखा हुआ है पूरे ब्लैक टेंपल के आसपास के एरिया में। यही है अलग अलग टाइप का आर्टवर्क है, बड़े बड़े ढोल है जैसा बनाया हुआ है, और मैक्सिमम सब चीज़ें ब्लैक ब्लैक कर दी है इन्होंने, हड्डियों से, लकड़ी से, या फिर इस तरह का बड़ा सा पिग वाली बिल्डिंग, बहुत कुछ रैंडम है यहाँ पर। और फिर नॉर्मली आपको बैठने की भी जगह है, वो भी सब इसी आर्किटेक्चर के अंदर आ रहा है। और देखो सामने एकदम ब्लैक कलर का एक और बिल्डिंग है, चलो देखते हैं वो क्या है। क्योंकि इधर टॉयलेट है, टॉयलेट भी एकदम ब्लैक, हर चीज़ ब्लैक ब्लैक। देखते हैं भाई ये वाली बिल्डिंग क्या है, इतनी बढ़िया नक्काशी करी हुई बिल्डिंग है, लेकिन कलर है ब्लैक। और बीच में आपको नक्काशी दिख रही है वो पूरा वुडन है। अब इसके ऊपर शायद से लाइट वाइट भी लगाते हैं, तो लाइट लगा के तो और भी बढ़िया दिखता होगा। और वही मंदिर के पीछे साइड में अब ये लगता है कि इनकी वर्कशॉप है या फिर रहने की जगह है। तो बढ़िया है यार, इन्होंने सिंह वगैरह के शेप में और ढेर सारी चीज़ें बना के रखी हर चीज़ पे, एक तो सब जगह ब्लैक कलर कर दिया है। ये तो पूरा गोडाउन जैसा भर के रखा है, पूरा शेड के नीचे कुछ ना कुछ बढ़िया आइटम बना के रखे हैं। और बहुत बड़ा एरिया है, मेरे ख्याल से इस एरिया को मेंटेन करने के ही पैसे ले रहे हैं बस, क्योंकि इस जगह पर भी हम अंदर नहीं जा सकते। वो बाकी जो भी हॉल वगैरह हैं वो भी इंटीरियर, कहीं भी अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ यहाँ से आप देखो। तो देखो ये एक और दरवाज़ा मिला है यहाँ पे, बहुत बड़ा दरवाज़ा है, सबसे बड़ा, एकदम अलग से यूनिक दिख रहा है। लेकिन इधर अंदर देखो इतनी बढ़िया आइटम बना रखा है, लेकिन अंदर जा नहीं सकते। पूरे सिंह के शेप में एक थ्रोन जैसा कुछ बना के रखा है। आसपास में देखो चेयर है, उसके कवर है, इधर भी जानवरों के सर है, लेकिन अंदर नहीं जाने देते हैं लोग यार। तो एक एग्जीबिशन की तरह, आर्ट गैलरी की तरह आप आके इधर विजिट कर सकते हो। इस तरफ में बैम्बू काटने की प्रक्रिया चालू है, इससे भी कुछ ना कुछ बनता होगा फिर बाद में आगे जाके। जगह बहुत सुंदर है, शांत गार्डन है, ओपन म्यूज़ियम मतलब। और ये लोग काम भी कर रहे हैं, हम भी ऐसे ही भटक रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग जगह देखते हुए, अलग अलग टाइप की बिल्डिंग देखते हुए। कहीं पे कुछ बिल्डिंग है, कहीं पे कुछ अलग आर्किटेक्चर है,
यहाँ पर लगता है गणपति बप्पा की मूर्ति है, आगे दिख रही है मुझे। ये है भाई गणपति बप्पा की मूर्ति यहाँ पर। बहुत बड़ा एरिया है भाई, मतलब देखो अंदर भी इधर रेस्टोरेंट वगैरह भी है, जूस वगैरह मिल रहे हैं, और उसके बाद भी जगह ख़त्म नहीं हो रही। यहाँ से लेके तो आप जितने भी सारे बिल्डिंग देख रहे हो, पता नहीं कैमरे में ढंग से दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ है यहाँ पे, तो सारे के सारे में कुछ ना कुछ रखा हुआ है। ये देखो एकदम इतना बड़ा सा पॉट, फिर यहाँ पर पूरा का पूरा एक कॉलोनी जैसी बना रखी है इन्होंने। टॉयलेट भी है ब्लैक कलर का, और ये नक्काशी देखो कितनी प्यारी है। सो ये देखो भाई पूरा एक कॉलोनी की तरह, जैसे पुराने टाइम में आ गए हैं वापस। तो इस तरह से आप टूर में भी आ सकते हो, या फिर हमारी तरह टू व्हीलर लेके अपने हिसाब से 2-3 मंदिर 10 मंदिर जितना घूमना है घूम लिए, और आसपास में और कहीं भी जाना है तो रेस्टोरेंट वगैरह जाने में, 7-Eleven जाने में, सब जगह में टू व्हीलर काम आएगी, तो वो भी कर सकते हो। और यार यहाँ पे एक चीज़ है, हर जगह लिखा हुआ है डू नॉट टच, नो एंट्री, कुछ भी नहीं कर सकते, बस आके एक एग्जीबिशन जैसे देखो। बैठने की बहुत जगह है, ये देखो यहाँ पर भी बोट्स को कलर करके रखा है मेरे ख्याल से ब्लैक, और उधर से पूरा पेड़ों से बनाए हैं बड़ा बड़ा बेंचेस, और बड़ा सा एक ढोल भी है। इस तरफ में भी बोट्स हैं, जगह बहुत बढ़िया है, मंदिर बहुत बढ़िया है, लेकिन वही चीज़ है भाई, क्या चेक आउट द मेन वन राइट, क्या करना है क्या नहीं करना है आपके ऊपर है। एक आर्ट वाली जगह है, देखने आना है तो आ सकते हो, वरना अभी तक तो ऐसा कुछ ज़्यादा लगा नहीं मुझे। अब ये जो इनकी मेन बिल्डिंग है इसके अंदर जाते हैं। लगता है भाई अभी भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चालू है यहाँ पर, और भी कुछ नया पैटर्न नया शेप बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ से मेरे ख्याल से एंट्रेंस होना चाहिए, वैसे तो हम लोग पीछे साइड में हैं, लेकिन आई होप एंट्रेंस हो जाए यहाँ से। ये उसे पीछे वाले दरवाजे से एंट्री मिल चुकी है भाई, और ये है कुछ नज़ारा अंदर का, बहुत ही प्यारा लकड़ी का आर्किटेक्चर और उसके साथ साथ अलग अलग आर्टवर्क।
यहाँ पे फिर से एक डाइनिंग टेबल है बड़ा सा बना हुआ, सब अलग अलग सिंग बने हुए और इसके ऊपर है क्रोकोडाइल स्किन। बहुत देर से घूम रहा हूँ मैं ब्लैक टेंपल में और ये ब्लैक म्यूजियम में जो भी है ये, क्योंकि टेंपल जैसा कुछ है नहीं यहाँ पर भगवान वगैरह का भी है और साथ में इधर मूर्तियाँ हैं दूसरी भी और पूरा का पूरा आर्ट वर्क है। तो इधर का रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब एक बार अगर आप चंगराई में और कुछ तो है नहीं करने को तो यहाँ पे आ सकते हो। बाकी सिटी एकदम शांत है, जैसे मैंने आपको बताया था रात को सब जल्दी सो गए थे, तो सिटी बढ़िया है, शांत है एकदम। बाकी मंदिर वगैरह के लिए इधर आसपास में आप आ सकते हो और जितने भी मंदिर हैं सारे मंदिर घूम सकते हो।